और भाई जन की कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, मैं काम करने लगा। मैम आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है, आई डोंट आई नो आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी दिस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शर्जने, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग, और इस व्लॉग में बेसिकली मोटो व्लॉगिंग भी होगी, और दूसरा ये कि आज बाइक के कुछ काम करवाने जा रहे हैं मार्केट में, और वहाँ पे जो जो चीज़ें अपने टाइप से जाती हैं वो लगवाने वाली तो वो लगवाएंगे, और कुछ चीज़ें जैसे अभी वो टैंकी वाला बैग है वो बस आ रहा है, जो मेन चीज़ें हैं लीवर शीवर वगैरह और वो हैंड ग्रिप वगैरह वो लगनी है, तो वो लगवाते हैं और चलते हैं मार्केट और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सोफा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज आप ये देखें, ये हेलमेट के साथ मैंने क्या जुगाड़ किया है, अंदर मैंने हैंड फ्री है वो लगाई है, ताकि ये है कि माइक की आवाज़ जो सी ना वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक सेट है, अब इसको ट्राई करते हैं, तो ट्राई करके फिर ऑफिशियल जो क्लिप है ना वो मैं लगाऊंगा। सो गाइज वी आर नाउ ऑन द वे, और हम लोग बस अब जा रहे हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कैमरे की क्वालिटी ठीक आ रही है तो हिट द लाइक बटन, और नहीं ठीक आ रही तो भी हिट द लाइक बटन। आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस। एज यू गाइज नो, मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था बट उसके अंदर ऐसा सीन था कि मुझे आइडिया नहीं था इसका कि कहाँ पे एडजस्टमेंट होगी और कहाँ पे नहीं। सो फार अब देखते हैं इस वीडियो को ये कैसी बनेगी, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, होपफुली दिस गोइंग वेल। ओ गाइस ये मेरे ग्लव्स हैं, ये मैंने आज से साल पहले लिए थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये सारा अभी अंडर डेवलप एरिया है, और यहाँ पर अभी ये KFC भी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये KFC है, और ये सारा जैम बिल्डर है, और ये अभी कह लेंगे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एरिया बन गया, जैसा फेस 7 है ना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये बैरिया के बारे में, कि बैरिया की मतलब ओवरऑल कितनी ग्रोथ हो गई है और क्या डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पर उस हवाले से। सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा उस वीडियो के लिए। देख सकते हैं आप व्यूज़ वगैरह यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैंने वो शॉपर ले लिया जिसके अंदर वो है लीवर है और क्या है लाइट है, ठीक है, और ये सब चीज़ें। यार ये ट्रक कहाँ पर आ गए, होपफुली आपको अच्छे से सब नज़र आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही नज़र आए। यहाँ से भी हमने रास्ते से पेट्रोल भी डलवाना है। नहीं दिया पुत्रा पागल, ये होते हैं यार हालात पाकिस्तान में, लोगों को कोई एथिक्स ही नहीं है बाइक चलाने की या गाड़ी चलाने की, जिधर चाहो मर्जी मुड़ जाते हैं यार, अजीब ड्रामे हैं। अभी इसने ठुकना था और फिर इसने रोना था क्योंकि ये माशाल्लाह है भी हमारी जो सिल्लाड़ी है, ये है भी हमारी बहुत वजनी है, और ये एक ही जाके एक दफ़ा ही जाके लगेगी तो बस फिर अगले बंदे का कचूमर बन जाएगा, खैर हमारा भी बन जाएगा। बात तो सही है अल्लाह ताला बचाए जी, बस हम दुआ कर सकते हैं और होप फॉर द बेस्ट। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं बैरिया, ये बैरिया सारा ठीक है, वो सामने आप देख सकते हैं आईफल टावर है, इंडिकेटर लगा दिया है, और अब हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं यहाँ पर, और होपफुली दैट वुड बी परफेक्ट। भजन
यार 500 का पेट्रोल डाल दो यार, 500 का। तो गाइस हम यहाँ पे बस पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो पेट्रोल के प्राइसेस से कम नहीं हुए भाई, पेट्रोल के प्राइस को कम नहीं हुए क्यों? कब होंगे कम? ये कम को हो सकता है? अरे यार दुआ यार, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि हमारे टूर इसके लिए बहुत ही मुश्किल है सब मैनेज करना। क्या ख्याल है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइस हम लोग यहाँ पर अब निकल पड़े हैं, ठीक है, पेट्रोल डलवा लिए और यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अब पिंडी वाली साइड पर। और ठीक है, एवरीथिंग परफेक्ट। ओ अन्नी दिया, मरना ही हो मन्नी, अन्नी मरना ही, मरना ही। तो गाइस ये सारा फेस 7 आ गया, ये फेस 7 है बैरियर का, ठीक है। ये पीछे जिस चौंक से मैं गुजरा था ना, ये वाला चौंक था शैतान चौंक, ठीक है। उससे पीछे जिन जिन चौंकों से मैं गुजरा हूँ, वो एक घोड़ा चौंक है, एक द्वा चौंक है और एक्सेट्रा, और एक मछली चौंक है, और ये ईगल चौंक है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं क्लिस्टो मार्की है, ठीक है। काफ़ी माशाल्लाह डेवलप हो गया हमारा बैरिया। फेज 7 तो काफ़ी हद तक डेवलप हो गया, बट ये कि अभी फेज 8 रहता है डेवलप होने के लिए। गाइस ये हमारा जो सा आ गया है, क्लॉक टावर भी कह सकते हैं, घड़ी वाला चौंक भी कह सकते हैं, घड़ी चौंक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ नाम है, ठीक है इसके। और ये जी लेफ़्ट साइड पे आप जैसा देख सकते हैं, ये सारा फास्ट फूड एरिया, यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, KFC है, मैकडोनल्ड है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, और काफ़ी डेवलप एरिया, और ये वाला एरिया काफ़ी मतलब बैरिया का मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है। उससे मेरा क्या फ़ायदा? और इस साइड पे पार्क भी है, उस पार्क की भी मैं आपको किसी दिन जो है ना वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हाँ जी भाई कैसा पार्क है, क्या साफ़ता है इसका, ठीक है। ठीक है, तो गाइस अभी हम एंटर होने जा रहे हैं जी EHA में, ठीक है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे जी वहाँ पर बैरिया के मेन गेट से एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ से लेफ्ट अगर मुड़ते हैं तो ये ब्रिज आ जाता है, ठीक है, जो कि फेस 7 बैरिया फेस 7 और DHA को, DHA फेस 2 को मतलब कनेक्ट करता है। समझ गया, ये रिवर सारा इस साइड पर, और अल्लाह भला करे यहाँ पे जी काफ़ी गहमा गहमी रहती है, और ये यहाँ पर रश भी काफ़ी होता है। अरे बाइक मेरी डोले क्यों खा रही है? डोले नहीं खाने शहजादी, तू डोले खाएगी समझ, मैं भी डोले खाऊंगा। देख रहे हैं यार गाइस आप, जैसे कि यहाँ पर रश कितना है। ये रोड असल में ना दोनों DHA को भी कनेक्ट करती है, और DHA तो है ही है, और बैरिया को भी कनेक्ट करती है, जिस वजह से बैरिया से भी यहाँ पर काफ़ी, यहाँ से जो ना काफ़ी लोग गुजरते हैं बाहर GT रोड मेन गेट जाने के लिए, या GT रोड जाने के लिए, या बैरिया जाने के लिए। वहाँ से उस साइड से जो आ रहे हैं वो सारे बैरिया को जा रहे हैं या फिर DHA में जा रहे हैं, और यहाँ से इस साइड से जो जा रहे हैं वो DHA से बाहर GT रोड पे निकल रहे हैं, या फिर बैरिया से आ रहे हैं GT रोड पे निकलने के लिए। तो यहाँ पर अभी ये रिसेंटली यहाँ पे PS पम्प भी खुला है। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक आ गया, और यहाँ पे अल्लाह करे हमें चेक ना करें, वैसे तो खैर कहते नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं कई बार गुजरता हूँ यहाँ से तो मुझे ये पहचान गए हैं कि भाई हर बार आते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं कहना। अब देख लें, आपके भाई का पाव भी बड़ा है, इतना पाव है
कि जी अगले बंदे मुझे कुछ कहते ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके सो दैट्स नॉट परफेक्ट, इधर रश ही बहुत है जी। और यार तोबा तोबा, यहाँ पे तो पानी पड़ा है, यहाँ पे हमने टांगे ऊपर रख ली हैं। तो गाइस हम लोग चढ़ गए हैं जीटी रोड पे, ठीक है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इशारा आ गया और इशारे पे हम लोग रुके हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। होपफुली जल्दी जल्दी फारग हो जाए यार, जल्दी जल्दी निकलो यार, निकलो 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 निकलो। चलो जी साइड पर हो जाओ जी, हमें ये जगह दो यार। एक तो बीच में ही घुसते हैं सारी आवाम कसम से। आगे रस रस चेक करें गाइस, रस चेक करें आगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कितना रश है यार, इतना रश है कि तोबा तोबा बुरा हाल हुआ। ये लो यार फिर रोक दिया इन्होंने, ये आर्मी वालों ने रोक दिया यार यहाँ पर, पता नहीं कौन आ रहा है। और देखो रश कितना लगाया है यहाँ पे, ये कचहरी चौंक है जी यहाँ पे पिंडी का। चलो जी गाइस पीछे पागल हुआ हुआ है टोयोटा वाला, टोयोटे वाले को बंदा चुक के तप्फे मारे उसको कसम से, पीछे हारन बजा बजा के इसने पागल ने दिमाग ख़राब कर दिए। रश देख लो यार कितने पिंडी में एंटर होते साथ ही, यहाँ पे इतना रश है कि तोबा 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 तबाही होगी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। कितना गंदा खड्डा बना दिया ना ये वाला, तोबा तोबा बड़े मनहूस लग रहे हो खड्डे। अल्लाह माफ करे बहुत मनहूस लग रहे हो। शाबाश, एक और इशारा आते हुए। और यहाँ पे जी अल्लाह खैर करें यहाँ पे मार्केट आने लगी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी बाइक को रिपेयर करवाएंगे। और रिपेयर क्या करवाना है, मतलब चीज़ें लगवानी जो सी। बेटा क्या कर रहे हो आप रोड के दरमियान में, बेटा तो नहीं है आंटी लग रही है मुझे तो। अच्छा लॉल यहाँ पे रश देखो यार, तबाही का रश है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने ये क्या कहते हैं लियाकत बाग चौक बंद कर दिया, ये तो तभी रोले हैं बड़े। ये आ गया जी मार्केट आ गई है, और यहाँ पे जी हमारे जिनसे हमने काम कराना है वो इधर इधर होते हैं, और इन भाई से हम कराएंगे काम। क्या हाल है, ठीक हो ना, ठीक हो ना सर जी, ठीक हो ना, सुनाओ सब वधिया, और सुनाओ सब खैर खरीद। यार जी इस दे च पिया रहा लीवर, ठीक है जड़ा इनू लाना, और लीवर किना इहदे च कढ़ो
एक लीवर लाना है, एक लाइट लानी, ठीक है, लाइट ये पई दी है, लाइट लानी अगे तो यह दोवें कम करना, मैं मोटरसाइकिल खिलाना वा तो आ जाओ जी। और भाई सुनाए, चलो जी हम आ गए जी मैकेनिक के पास आ गए और बस अभी बाइक को यहाँ पे रिपेयर करवाते हैं। शाबाश, जीते रहो बेटा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने शुरू कर दिए काम, ये भाई मैकेनिक है हमारे, भाई बड़े अच्छे दोस्त है, यहाँ पे मरी रोड पर ही होते हैं, यहाँ पे इनकी दुकान है ये मरहबा ऑटो, ठीक है, और ऑनर भी बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह से हम यहाँ से शुरू से यहाँ पे आ रहे हैं। लीवर उतार रहे हैं अभी, और ये वाले लीवर है जो मैंने मंगवाए हैं, दिखाई दिए कुछ, ये लीवर है मॉक्सी का लीवर है, मॉक्सी काफी अच्छी ब्रांड है, तो ये उसके लीवर लगवा रहे हैं। तो गाइस मरहबा ऑटो के ये ऑनर है और हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं भाई, और यहाँ पे जी इनकी शॉप चेक करें, जब भी कोई सामान वगैरह लेना हो अपनी बाइक का, 70 हो, 125 हो, किसी किस्म की बाइक हो, यहाँ पे हर किस्म का काम होता है और इलेक्ट्रिशियन का भी काम है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइटिंग वगैरह काफ़ी खूबसूरत है और सारा हेड लाइट बैक लाइट, तो इन भाई से हम बात करते हैं। और भाई जन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो भाई आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको शॉप ओपन किए हुए? 17 साल हो गए। तो यहाँ पे किस किस किस्म के कस्टमर्स आते हैं आपके पास, क्या डिमांड होती है यहाँ पे आपके पास? डिमांड ज्यादातर चाइना बाइक की डिमांड होती है, हैवी बाइक है, 5R, 15, यानी कि हर किस्म के पार्ट्स के और ज्यादा डेकोरेशन की डिमांड है। और यहाँ पर माशाल्लाह काफी अच्छा काम है इनका, और यहाँ पर काफी डिमांडिंग इनके पास चीजें हैं, हर मतलब कहने के लेटेस्ट जितनी भी चीज आ रही है मार्केट में ऑटोस के हवाले से, बाइक ऑटोस के हवाले से या कार्स के हवाले से, वो सब चीजें अवेलेबल हैं। जैसा देखते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे मेरे पास हेलमेट है ये वाला, और इनके पास भी माशाल्लाह ये वाले हेलमेट हैं। ये भाईजन हेलमेट की प्राइस क्या है वैसे? इसकी 8,500 रुपये प्राइस है, ये भी यही प्राइस में है, जो पीछे वाला 6,500 रुपये में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हेलमेट्स की मकदार, और मतलब सस्ते वाले भी हैं यहाँ पर जो से 1000 से अबव या 1000 से लोअर प्राइस में भी यहाँ पे ये हेलमेट लगे हुए हैं सारे। 400 का भी पड़ा भाई जैसा कि बता रहे हैं, और 500 का भी है, मैक्सिमम कह लें कि अंडर 1000 और अबव 1000 यहाँ पे हर किस्म के हेलमेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप आए यहाँ पर, हमारा हवाला दीजिएगा कि जुनेद भाई ने भेजा, तो इंशाल्लाह ताला जरूर तावन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि मतलब उनको क्या आप हमारे हवाले से उनको डिस्काउंट देंगे, क्या मतलब उनके साथ कैसा ट्रीट करेंगे? पूरी इज्जत देंगे, डिस्काउंट देंगे, तसली बख्श काम करेंगे और गारंटी के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ऑनर व्यू आपने देख ली है और माशाल्लाह से हमारा बाइक का काम हो रहा है। सारी थानू कितना साल हो गए, कितने अच्छा हो गया थानू? ये 18-20 साल हो गए रावलपिंडी में। अच्छा 18-20 साल हो गए भाईजन को यहाँ पे, इसी दुकान पे? इसी दुकान पे 8 साल हो गए। इस दुकान पे 8 साल हो गए माशाल्लाह जी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी लाइट की भी मरम्मत कर रहे हैं, ये भाईजन ये आदिल भाई 200 का काम करते हैं, 200 बाइक का। और भाईजन की कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं कहना चाहते, काम करने लगे। और ये वाली लाइट है जो मैंने मंगवाई थी, ठीक है, तो ये लाइट जो बाइक जो है भाई कर रहे हैं काम इसका, और इसको लगाने लगे। 6.5 hours later. तो गाइस काम हो गए यहाँ पे तकरीबन आज तक, बस लीवर जो थे ना लीवर नहीं लगे, क्योंकि लीवर जो थे ना वो YBR के थे तो वो नहीं लग पाए, तो ये जेन्युइन भी फिलहाल लगे हैं, बाकी जो ग्रिप जो है वो लगवा ली है, तो बाकी ओवरऑल काम यस हो गया। ये बंदा है इसने काम किया है, पहले से पहले एक मकैनिक से काम कराया, बाद इसने वही ठगी लगाई है, 1000 रुपये लिया और काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा था सही से, ठीक है। बाकी ये मैंने ले ली कोई, ठीक है, यहाँ पे हेलमेट उसने लगाया हुआ, और ये बंदा बोल नहीं सकता यार, चरम मस्कीन बोल नहीं सकता, लेकिन ये काम अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा काम किया, मजा आया यार, ये बंद हो गया। और यहाँ पे आपको फॉग लाइट दिखाते हैं, फॉग लाइट भी लगा दी है, पिछले वाले ने लगाई थी फॉग लाइट, लेकिन उसे जल्दबाजी में ऐसा गंदा काम किया कि फॉग लाइट जो उसके अंदर लगी हुई थी वो टेढ़ी थी, उसे मैं कह भी रहा हूँ यार सीधा कर, तो उसने नहीं करते था। यहाँ पे इन भाई ने काम किया, ये काम भी ऐसा कर दिया, बिल्कुल अब शॉर्ट लगी है और कोई ऐसा इशू नहीं है, मजा आ गया काम करने। अभी देखो टाइम क्या हो गया, 8 बज गए यार, यहाँ पे तकरीबन 4:30-4 बजे मैं आया हूँ इधर मार्केट में काम करवाने के लिए, और यार अलग पुराना से काम करता हुआ आ रहा हूँ, आज पता नहीं उसे क्या, उसे काम नहीं हुआ था,
उसे सारे काम को बेड़ा गर्क कर दिया। उसे ग्रिप भी नहीं है लगे थे, लेकिन ग्रिप उसने भी लगाया कार्ड के प्रॉपर तरीके से, ग्रिप भी नहीं उसे लगे थे और बड़े अच्छे तरीके से लगा। तो यह काम इस बंदे ने अच्छा कर दिया, चाहे से बोल नहीं सकता लेकिन यह काम इसे अच्छा कर दिया, अच्छा मकान है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, अभी मैं पहुंच गया अपने घर के एरिया में, ठीक है। और अभी आपको बाइक का छोटा सा जो है ना वो टूर करा दो मैं, और आप चेक करें ये यहाँ पे तीन बटन लग गए हैं सर। एक ये बटन है ये वाला लाइट के लिए, ये फॉग लाइट लगाई ठीक है। और जैसे कि आप देखें सामने रोशनी चेक करें आप, अभी इसका बटन दबाऊँगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा, देखिए येलो हो गया ठीक है। अब इसका फिर ये इससे करूँगा, ये बिल्कुल येलो हो गया, ये बिल्कुल वाइट हो गया, और ये जो सा ना ये मल्टी हो गया, मतलब येलो और जो सा ना वाइट मिक्स है। ऊपर देखे ऊपर वाइट आ रहा है और नीचे जो सा ना येलो है ठीक है। तो ये सीन है बाबा जी। तो बाकी जो सा है ये जो सा ना मैंने लगवाया, ये वाला बटन मैंने लगवाया इसलिए कि जी यहाँ से बटन दबाएंगे ना इसके इसका, तो यहाँ से जी हम इसको कोई भी इशारा ऑन कर देते हैं, इससे ये होगा कि डबल इंडिकेटर लग जाएगा ठीक है। तो ये जो सा ना ये डबल इंडिकेटर के लिए लगाया है, और ये जो सा ये ऑलरेडी आपको पता ही है शायद प्रीवियस वीडियोस में शायद देखा हो इसकी, ये बटन जो सा ना ये वाला बटन, ये बटन मेन इसी पर्पस के लिए है कि जी इसकी जो सी टैंकी के नीचे और पीछे मतलब टायर के पास जो लाइट्स है ना, जो मैंने वैसी फैंसी मतलब अच्छी लुक के लिए जो सा मैंने लगाई हुई है वो चल जाती हैं ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं अपने हेड ऑफिस ठीक है, हेड ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जाके ना यहाँ पे भी आपने देखा होगा वो लड़कों की जो सा वो तलाशी हो रही थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे पुलिस वालों ने वो लगाई हुई है, चेक पोस्ट लगाई हुई है। लोग आप लाइट का यहाँ पे रंग चेक करें यार, बस रंग चेक करो, रंग बड़ा आउट क्लास हो गया भैया, अभी आप चेक करें। चले जी ये लाइट ऑफ है ठीक है, ये लाइट ऑफ है, इसका हम फ्यू चेक कर लें आप, ये नीचे लगी हुई लाइट ये वाली। और यहाँ पर जी अल्लाह भला करे पीछे आप देख सकते हैं बाइक का व्यू, माशाल्लाह फुल जेंगो हुई है, ये पीछे डबल इंडिकेटर चल रहे हैं ठीक है, डबल इंडिकेटर अपने आप ही चल रहे हैं, कभी ये चलता है कभी ये चलता है कभी ये चलता है, चलो चल तो रहा है ना डबल इंडिकेटर। बहरहाल ये है कि बड़ा टाइम लगा है और बड़ा यार वो मैकेनिक ने इतनी तंग की है। ये चेक करें ग्रिप्स फुल जेंगो लग रहे हैं, बाकी जो सर लीवर है ना लीवर का भी कुछ जुगाड़ करते हैं, पास ही है वैसे वो है वो यामा 125G के हैं, तो इसको स्टील ही रहने दिया मैंने कहा यार चलो ये थोड़ा मतलब हैवी वाला चस्का देगा, बाकी जो सर ना वो चल रहे हैं। रोशनी चेक करें बॉयज आप, रोशनी फुल टॉप टॉप हो गई है, देख लिया आपने। और थोड़ा सा इसको जो सा ना सिनेमैटिक यहाँ से बना देते हैं, भाई जान हमें देखने क्या हाल है ठीक है। कोई चीज़ दिखानी है ये चेक करें, अब जब मैं अपनी मेन हेडलाइट ऑन करूँगा ना उसे जो सा रोशनी और तो बाला हो जाएगी, अब सामने रोशनी चेक करें। और ये टूरिंग के लिए तो बेस्ट में देख सकते हैं अभी अब सारा मतलब चल रहा है, मतलब मेन लाइट भी चल रही है उसके बाद फॉग लाइट भी चल रही है, फुल चस्के हो गए भाई। ये भाई जो सी मेन ये जो फॉग लाइट है ना ये मतलब मैंने अच्छी वाली मंगवाई है, ये एक ही काफ़ी है इसकी, ये खुद की जो है ना अपनी रेंज ही बहुत ज़्यादा है अकेले की, तो ये पड़ी भी मुझे तकरीबन कह लें कि 2300-2400 की पड़ी है मुझे, और ये ग्रेप मुझे कह लें कि 1200 में पड़े। और बाकी आप देख रहे हैं उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं था ये जो सा ना ये मुझे 700-800 में पड़ा था, और ये भी मुझे 700-800 तक पड़ा था ठीक है, तो इसकी भी एडिशन आप कर लें। बाकी वो ग्रिप्स जो से हैं वो मुझे पड़े हैं तकरीबन 1500-1400 के समथिंग इस तरह, बाकी इशारे भी नहीं लगवाए हैं, पहले पहले इशारे मसला कर रहे थे और वो भी ख़राब हो गए, मेरे ख्याल से इशारे कुछ सोला हुआ उनको, तो बहरहाल खैर चलो बॉयस यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आउटो शोटो छोड़ो यार इतनी देर हो गई है, इतनी लंबी वीडियो बना दी मैंने आप लोगों के लिए, ओके जी यहाँ पे एक ले लेते हैं स्ट्रिंग ताकि ये है कि वीडियो एडिट करने में मज़ा आए ठीक है बॉयज। तो यहाँ पे यार आपसे जो है ना करते हैं वीडियो इख्तिताम ठीक है, और बॉयज फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दिस इज़ मी चॉइस साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़ बाय।
और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें, और वीडियो का मजा आया तो सब्सक्राइब करें चैनल। ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज़, बाय। स्टॉर्म।